अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एंड अपना सेटअप रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक ऊपर ऊपर की फटिया रह गई लगनी, और थोड़ा सा इसमें मिट्टी डलेगी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं डलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद इसमें हमारे बड़े बकरे दोपहर में रेस्ट करेंगे, और हो सकता है मैं आज ही इंशाल्लाह इसमें दोपहर में हमारे बकरों को ले आऊँ, ताकि वो रेस्ट कर सके बहुत अच्छे तरीके से। ये फट्टे वगैरह कील वगैरह के हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा उठाकर। एंड इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, हो सकती है हाँ यहाँ पर मिट्टी डलेगी मेरे हिसाब से, तो आई थिंक ना मिट्टी डलेगी ये जो ऐसे पड़ी है। तो चलो इसको ठीक कराते हैं। और एक भाई है दिल्ली का, उसको थोड़ा सा इशू है, ट्रस्ट इशू, तो उसको वीडियो कॉल पर अपना फेस दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई आपके नाम से फ्रॉड चल रहा है, तो हम वीडियो कॉल पर पहले कन्फर्म करेंगे कि आप ही बात कर रहे हो हमारे से, देन आपको पेमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले उसकी भाई की कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, क्योंकि वो रात से बहुत परेशान हो रहा है। शायद से देखता हूँ कॉल आइएगा। हेलो 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 भाई, मैंने प्रबंध इसके शॉट भेज दिए। ठीक है भाई, ठीक भाई, आज ही निकलवा। मैं कह रहा हूँ भाई, हेलो जी सर, मैं कह रहा हूँ माल अच्छा हुआ और भी लूँगा, मतलब ऐसा और जी हाँ दिखे ऐसे जी भेजना, बेफिक्र और भी लोग हैं मेरे पास, अगर अच्छा दोगे ना। जी जी, लो तो सैंपल ही मान लो। नहीं इंशाल्लाह एज अ सैंपल ही भेज रहा हूँ भाई, टेंशन ना लो। और देखो ऐसा नहीं है कि मुझे कल से शुरू आऊँ मैं बेचना, अल्लाह का शुक्र है आपने शायद वीडियो बहुत लेट देखी है, वरना दिल्ली में हम बहुत अच्छे लेवल पे सेल भी करते हैं। आप कहीं पता करना पहले, तो आपको यकीन हो जाएगा। और भी लोग पालते हैं ना, तो उनको भी बताऊंगा ना मैं। जी मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि हम आज कल से बेचने वाले नहीं है, अल्लाह का शुक्र है 3-4 साल से कंटिन्यू बेच रहे हैं, और तुम्हारे दिल्ली में बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दिलाई है। एक बार वहाँ बात करना ना किसी पे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि साबरी गोट फार्म से भाई कादिर भाई से बात हुई थी मेरी, वो आपको खुद बता देंगे सब कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, जज़ाकअल्लाह भाई। हर तरह के देखो बंदे होते हैं, अब किसी ने पहली बार वीडियो देखी हो तो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता ही रहता है कि भाई ऐसे माल भेजना वैसे माल भेजना। मैं अल्लाह का इतना बड़ा एहसान मानता हूँ कि जिसने आज तक हमसे सैंपल मंगाया है उसने हमें बल्क ऑर्डर दिया है, या फिर रिपीट कस्टमर वो हमारा बन गया, ये अल्लाह का बहुत 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 बड़ा एहसान है। करने वाला अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह डालता है, कोई भी चीज़ हो कैसी भी चीज़ हो, हम सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं या चीज़ें बना सकते हैं बता सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि बुखार की एक नॉर्मल सी टैबलेट आती है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, सपोज हमें तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर हमको जो मेडिसिन देता है, तो हो सकता है हमें सेम मेडिसिन असर ही ना कर रही हो, कि जैसे मुझे नॉर्मल सी एक टैबलेट मिली मेरा बुखार ठीक हो गया, आपका नहीं ठीक हो पा रहा। तो ये चीज़ें होती है हर जानवर के साथ भी और हर इंसान के साथ भी, कि उसको सेम चीज़ें नहीं करती। लेकिन मैं अल्लाह के इतने बड़े एहसान मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह साबरी जी कैटल फीड्स का जो डाइट मास्टर मसाला है, उसके 90% कस्टमर रिपीट कस्टमर है, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा रिपीट कस्टमर होना बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग व्लॉग जो देखते हैं आपको मालूम है मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, किसी से झूठ नहीं है, ओपनली ऑनलाइन आकर अपन काम करते हैं, जो रिजल्ट है सबके सामने बताते हैं। लेकिन अल्लाह ने इतना ज़्यादा इस चीज़ में सिफा डाली है, ये अल्लाह के ही एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक कस्टमर जो हमसे सिर्फ एज अ सैंपल मंगा रहा है, उसके बाद वो रिपीट बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और 90% मैं मानता हूँ कि हम जो रिव्यू लेते हैं, क्योंकि यासिर भाई हैं जो आए हैं हमारे फार्म पर, वो कॉल्स वगैरह से रिव्यू लेते रहते हैं, तो हर महीने हर दूसरे महीने जब हम रिव्यू लेते हैं, तो या तो बंदे अपने बकरे बेच चुके होते हैं किसी कारणवश, बकरे किसी वजह से जो नहीं मंगाते उनका रीज़न बता रहा हूँ, या पेमेंट इशू होता है, इस तरह के इशू में वो नहीं मंगाते, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सबका यही रहता है कि भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम दोबारा फिर मंगाएंगे, और वो मंगाते भी हैं। ये बस सब कुछ करने वाला अल्लाह है, अल्लाह ऐसी इज्जत बनाए रखे। और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो दुआ में खास याद रखना। एंड अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि मुझे सेटअप रेडी कराना है, अभी डिलची भाई आने वाले हैं, उससे पहले मुझे फटाफट से कील वगैरह ला कर रखनी है, ताकि कील मिल जाए, यहाँ पर मिट्टी डलवा देते हैं अच्छी तरीके से, और फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी बड़े बकरों की तरफ चलते हैं, वहाँ की अपडेट लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये जो इस तरीके से धूप आ रही है ना, ये बहुत दिक्कत वाली धूप है, उसका रीज़न ये है कि बकरे आलस में आ जाएंगे यार, और आलस में आया हुआ जानवर बैठ जाता है, और बार बार बैठने से बकरे क्या कम खाते हैं, क्योंकि उनको सुकून चाहिए, हैवी वेट बकरे हैं, तो इनको ठीक करते हैं इंशाल्लाह। कितने रोजे से आज रोजे से अरे वो है बे। और आज हमारे फार्म पर ये क्या चल रहा है,
रिलैक्स। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज इसको माइंड मत करना, गुजारिश ये है भाई। एक सेकंड। हेलो। हेलो जी, नमस्कार भैया। जी बोलिए। बकरी फार्म वाले बोल रहे हैं? जी बकरी फार्म वाले बोल रहा जी। मैंने इस वीडियो देखा था जो कुछ बकरी के बारे में, बकरी बारे में, तो उसने जैसे बकरी को दूध अगर कम दे रही तो उसको बढ़ाने के लिए तरीका पूछना था मुझे भी। भाई बकरी अगर दूध कम दे रही हो तो हम लोग एक डॉय मिल्क बूस्टर करके सेल करते हैं, 1000 रुपए का आता है वो, 20 ग्राम देना होता है नाइट में। अच्छा अच्छा। एक महीने का पैकेट आता है वो, उससे आपकी बकरियों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खाएगी बहुत अच्छा, प्लस दूध बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा बकरी में। अच्छा अच्छा जी। मतलब खाने में क्या, मतलब आटे में देना कि कुछ? वो सूखा भी बकरियां खा लेती है, अगर आपके बकरियां नहीं खाएगी सूखा तो आप पानी में डाल के दे देना उसको, ठीक है? अच्छा अच्छा जी। ओके ओके। इस तरह की कॉल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह से लेके शाम तक करें। गुजारिश इस बात की थी कि इफ्तारी के टाइम पे 2 मिनट पहले कॉल आ जाती है, ठीक है, या फिर आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना नहीं चाहता, सहरी के टाइम पे 3:30 बजे की मेरे पे कॉल थी कि भाई बकरों की डाइट बता दो। ठीक है, देखो मैं मानता हूँ कि हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है कि वो कभी भी कॉल कर सकता है, कुछ भी है, लेकिन थोड़ा सा रमज़ान के टाइम पे इतना सा ध्यान रखे कि अफ्तारी के टाइम पे कॉल नहीं उठा पाऊँगा, मैं नहीं उठा पाऊँगा। देखो क्लियर क्लियर बात है, अफ्तारी के टाइम पे आप सभी भी रोजे से होते हो, आपको खुद मालूम है कि जब लास्ट मोमेंट होता है तो दुआ का टाइम होता है वो, उस टाइम पे अगर मैं कॉल्स वगैरह उठाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा रोज़ा रखने का, क्योंकि एक मज़दूर को जब तक दिहाड़ी नहीं मिलेगी, वो पूरा दिन मेहनत करा और उसको शाम में उसकी दिहाड़ी नहीं मिली तो उसकी तो पूरे दिन की दिहाड़ी बेकार है। और आपको मालूम है कि रमज़ान में जो दुआएं कबूल होती है, और सिंपल सी बात है, ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों ने पूरे दिन रोज़ा रखा और शाम को हमें हमारी मेहनत का फल मिला, तो मैं अफ्तारी के टाइम पे प्लीज़ कॉल ना करें प्लीज़, एंड रात के टाइम पे सिर्फ वो भाई कॉल करे जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, या फिर मसाले के लिए प्लीज़ 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 आप लोग सुबह से लेके शाम तक जितने ऑर्डर देने हो दे सकते हो। रात के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं रोज़ा रखने के बाद इस टाइम खा भी लेता हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे बस थोड़ी देर लेटना होता है, और मगरिब की नमाज़ के तुरंत बाद फिर जैसे ही हमारे यहाँ पे 8:15 बजे तरावी है, और हमारे फार्म के जस्ट बगल में यहाँ पर तरावी हो रही है, तो मैं 10 दिन की तरावी में हूँ, तो 10 दिन की तरावी में क्या हाल होता है आपको मालूम है, 10:30-10:15 बजे के करीब मैं फ्री होता हूँ, और फिर पूरे दिन की थकान हो जाती है, क्योंकि जब आदमी पूरे दिन नहीं खा रहा था और एकदम से खा पी लेता है तो उसको मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखते हो आपको सब कुछ मालूम है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। तो आपको जो भी क्या नाम है कॉल्स वगैरह या फिर जो भी पूछना पूछाना हो इस टाइम कर लिया करो, या अब से लेकर शाम के असर तक आपके पास टाइम ही टाइम है, आप कभी भी फ़ोन कर लो, ऑर्डर आपको मसाले के करने हो तो भी आप दिन में कर लो, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा एक्टिव मैं रमज़ान में शायद ना हो पाऊँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। और हाँ, गुजारिश है आप लोगों से, अगर आपको इफ्तारी के टाइम पर कोई भी इंक्वायरी निकालनी हो तो व्हाट्सअप कर लिया करो, मैं नहीं देख पाऊँगा इफ्तारी के बाद, तुरंत बाद भी मैं, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद खाना वाना खा के लेटना होता है, तो हाँ उस टाइम पर मैं थोड़ा बहुत देख लूँगा। तो ये आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा सा साबरी गोट फार्म के लिए इतना करिए कि एडजस्ट कर लीजिए, 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद फिर इंशाल्लाह आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा काम वाम निपटा लूँ अपना और फिर आपसे इंशाल्लाह बात करता हूँ। हमने हमारे औरान को आज इस तरफ रख लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी दिखा रहा है, गर्मी का मौसम भी है, बट अभी मेरे को ना ये रस्सी वगैरह बांधनी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रस्सी बंधवा के उसके बाद मुझे जाना है मसाला रखने ऑफिस में, और थोड़े से बाल वाल भी कट करा लेता हूँ ट्रिमिंग वगैरह, क्योंकि बहुत बड़े हो रहे हैं, तो ये बांध लेता हूँ जो लटक रही है ना इसको, तो इनको बना लेता हूँ फटाफट से, बकरे नहलवा देते हैं भाई, एक जन ना बकरे नहला लो, सारे भारी भारी बकरे, अगर किसी का खुर वुर रहा तो बताना मुझे, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में बस रस्सी बांध के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बेटे बनवा ले, ईद आ रही फिर जूते ला के देंगे तुझे नए। एक बात याद रखना, पूरे साल की मेहनत एक तरफ, पूरे साल की मेहनत एक तरफ, सीरियसली बता रहा हूँ, पूरे साल की मेहनत एक तरफ, और ये लास्ट के जो 3 महीने रह गए इसकी मेहनत एक तरफ, ये अपना गंगा पारी है, सबसे बड़ा गंगा पारी माशाल्लाह, सुल्तान की हाइट का बकरा है, अब आप सोच लो कितने बड़ा बकरा होगा माशाल्लाह, बहुत बड़ा गंगा पारी है, और आने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे, तो ये साबान का डायलॉग है कि पूरे साल की मेहनत एक तरफ और इन 2-3 महीनों की मेहनत एक तरफ, तो अभी बकरों को पर्सनली चेक करना, नीचे से लेकर ऊपर तक डेली मालिश करना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके बकरों को क्या प्रॉब्लम है। आज मुझे मेरी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग भी सोच रहा हूँ करा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और कबूतर भी बाहर निकाल दिए हैं। यासिर भाई इनको कुछ डालना भी है? पानी वानी रखा है इनको? और डाला गेहूँ? चलो गेहूँ डाल देते हैं इनको, चलो
सबसे फेवरेट है मेरा ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गए हैं, नहाने वाने भी लग गए यहाँ पर, और आज हम इनको साबरी गोट फार्म का मसाला डाइट देने जा रहे हैं। भाई डालना जरा एक चम्मच डालो, है नहीं खत्म हो गया सारा पैक है। चलो अगली बार देंगे ठीक है, अभी निकलते हैं, गाड़ी में रखा ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अपना आज का स्टॉक आ चुका है ऑफिस में हमारे। हटा उसको भाई, काउंट करके बताओगे, काउंट करके लाए हो? मैं काउंट करके लगा दिया भाई को, काउंट करके लगा। कितना लाए हो आज? देखो गोली में 45, ये 45 है ना? हाँ, और 45 और 8 अलग से ला के दिया, लास्ट में 8 ऑर्डर रहते वो अलग है। तो ये रात वाले ऑर्डर नहीं है ना, ये दिन वाले ऑर्डर है। ये यहाँ जो आज ऑर्डर दिए ना, अभी रुपये का निकाल रहा। ठीक, ये क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी पैकिंग रेडी हो चुकी है। साबिर जी कैटल फीड प्राइवेट लिमिटेड किड डाइट मास्टर, जो अदर्द बच्चों का मसाला है, वो आपकी पैकेजिंग अब रेडी हो चुकी है। सॉरी फॉर डिले, स्टार्टिंग के जो पार्सल निकले थे हमारे विदाउट पैकिंग निकले थे, लेकिन अभी उसकी पैकिंग आ चुकी है, तो अब से आपको इंशाल्लाह ये इस तरीके की पैकिंग में मिलेगा। अजय भाई, ये वाली पैकिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। इस पर भी आपका कैशबैक ऑफर चालू है, रमजान आप लोग वीडियोस बना कर दो अपने बकरों के साथ अपने साथ, और बताओ कि आपको कैसी लगी पैकेजिंग, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रिजल्ट रहा। जैसा भी रहे, अच्छा बुरा, आप सबको शेयर कर सकते हो, और आपको 50 रुपए कैशबैक मिलेगा साबरी जी कैटल फीड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस, और अभी अपन चलते हैं घर, क्योंकि जोहर का टाइम हो चुका है। ठीक है, फाइनली हम अपनी कार धुलवाने आ गए ना। मैं चला गया ना। माशाल्लाह। तो ये हमारा सेटअप था जो हम लोगों ने किया था, तो बड़े बकरे अब इसमें रहेंगे। पीछे अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे आप पेड़ देख लीजिए, हवा कितनी ज़बरदस्त चल रही है, बिना पंखों के बकरे इतने सुकून में है ना, बहुत सुकून में। और जो अदंत बच्चे हैं वो सर देख ले, वो माशाल्लाह वो खेल रहे हैं सारे के सारे ना, वो भी सब अपने अपने मज़े में। और ये देखो माशाल्लाह, और ये अपने बड़े बकरे इस तरफ रहेंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर सा प्लान था, और ये जो बकरे थे गुजरी के, ये सब अपने अपने में मज़े में हैं, सब बैठ गए हैं। एक बकरा हमारा आलिशान है, वो छोटे बकरों में उसको लेकर आते हैं, उसको लेकर आते हैं। भाई साहबान, आलिशान को हटा के बाड़े में डाल, आलिशान को। तो ये हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। वेट अंकल, ये क्या है, मजदूरी का पैसा मिल रहा है कि नहीं तुमको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यासिर भाई, ये अपना गर्मी का सेटअप स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अपना ये वाला फार्म रहेगा, वो वाला फार्म हमने दे दिया है साहिबान को। ठीक है, नए बकरे लाएंगे इधर से बेचेंगे। ठीक है, आज तुम थके हो, कितने देर के बाद फार्म पे आए हो? सुबह से घूम रहे हो खाली? हाँ, तो मेनली मैं आपको बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना गर्मी में बकरे यहाँ रह करेंगे, और सर्दियों में बकरे वहाँ रहते ही हैं। शाम को बकरे बाहर खाएंगे, सुबह को यहाँ खाएंगे। अभी क्या है कि रात को सर्दी है, तो अभी 10-12 दिन बकरे अंदर ही खाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह 10-12 दिन के बाद बकरे शाम में यहाँ खाएंगे, पूरी रात बाहर रहेंगे, और दिन में बकरे यहाँ रहेंगे छप्पर में। अभी और रहता है काम सिर्फ पंखे लगाने का, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा सर्दियों का सेटअप रेडी हो जाएगा। एंड गाइस, एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, MP की साइड में एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि भाई ये मैसेज अपने ब्लॉग्स में बताना कि अपने बकरों बकरियों का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो चोरी पूरे इंडिया के स्टेट में होती है बकरियों की, बकरों की, वो MP में होती है। तो MP वालों से खास गुजारिश है कि कुर्बानी के टाइम पे अपने जानवरों की हिफाजत रखें और थोड़ा सा ध्यान रहे।
क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी बकरीद का सीजन आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो। उस भाई ने जो आंकड़े मुझे बताए थे और उसके बाद जो मैंने चीज़ें सर्च करी, तो हकीकत बात है कि एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है जानवरों की, बकरियों की स्पेशली। तो अपने जानवरों का ध्यान रखना। एंड होप आपको आज का व्लॉग समझ में आया होगा। अभी रोजे से हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते, जितना चल रहा है फार्म पर वो आपको दिखा रहे हैं। तो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग भी आ गई है छोटे बच्चों की, डाइट मास्टर किड्स डाइट मास्टर। तो अब से बच्चों वाला मसाला भी आपको पैकिंग में मिलेगा। एंड इस व्लॉग का एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।